दोस्तों सरकार ट्रेडर्स चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज सरकार ट्रेडर्स चैनल में हम जो चीज सीखने के लिए आए हैं, ये शेयर मार्केट का बहुत ही जरूरी चीज है। हालांकि आप जानते हैं, अगर आप मार्केट में हैं, तो मार्केट में एक स्टॉप लॉस, एक टारगेट हमेशा लगाया जाता है। अब इस स्टॉप लॉस और टारगेट का कितना महत्व है, वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का कोशिश करेंगे। तो दोस्त, ज्यादा बात ना करते हुए आज मैं आपको कुछ प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्टॉप लॉस और टारगेट का महत्व समझाऊंगा, और साथ ही साथ लाइव मार्केट में एक आधा स्टॉक के ऊपर भी आपको टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के दिखाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्त, देखते हैं टारगेट और स्टॉप लॉस का कितना महत्व है। क्या है यह स्टॉप लॉस और क्या है टारगेट, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी लेवल पे कोई स्टॉक को बाय करते हैं, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो होल्डिंग हो, चाहे वो मीडियम टर्म, शायद आपको इंट्राडे, होल्डिंग, मीडियम टर्म इन चीज के बारे में पता होगा। अगर किसी तरह का किसी जगह पे आपको डाउट रहता है, तो मेरा नंबर 8222924412 इस नंबर के मार्केट से जुड़े हुए किसी भी सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्त, मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगा कि स्टॉप लॉस और टारगेट का महत्व क्या है। मान लो कि आप किसी जगह पे किसी स्टॉक को बाय किए हैं, यहाँ पे हम किसी स्टॉक को हम 100 रुपये में बाय कर रहे हैं, तो उसका टारगेट अगर आपको खुद को निकलना आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहा है, किसी ने आपको टारगेट दिया है 120 रुपया, यानी कि आप बाइंग कर रहे हैं 100 रुपया में और उसको आप सेल करेंगे 120 रुपया, यानी कि एक शेयर के ऊपर आपको प्रॉफिट रहेगा 20 रुपया। उसी जगह पे अगर वो स्टॉक उसी तरफ टारगेट की तरफ ना जाके नीचे आ जाता है, तो आपको स्टॉप लॉस लिया जाता है। तो आई थिंक आपको टारगेट का तो समझ में आ गया। टारगेट मतलब आप कहां पे बाय कर रहे हैं और कहां पे बेचना चाह रहे हैं। दोस्तों, यहां आप लाइव मार्केट में आ चुके हैं और यहां पे एक स्टॉक का एग्जांपल स्वरूप लेके आपको मैं समझाने का कोशिश करूंगा। मान लीजिए आप UPL जो स्टॉक है, इसको आप बाइंग किए हैं 590 के आसपास। यहाँ पे आप बाइंग किए हैं 590 का लेवल, ये चल रहा है, आपने यहाँ पे बाइंग किए। आपको किसी ने टारगेट दिया है, जो कि मैं आज का जो इंटरडे में मेरा टेलीग्राम चैनल पे जो कॉल दिया हूँ, उसमें मैं 589.50 पैसे में बाइंग कॉल दिया हूँ। इस जगह पे टारगेट हमारा है 594.50 पैसे, ये है हमारा फास्ट टारगेट। ओके, तो इस तरह का अगर आप बाइंग कर रहे हैं, तो जैसे आपको किसी ने टारगेट देता है, वैसे आपको स्टॉप लॉस भी देता है। तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया हूँ आपको 86 का, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, 86 का मैं स्टॉप लॉस दिया हूँ और टारगेट दिया हूँ यहाँ का। तो इसी तरह का आपको एक टारगेट और एक स्टॉप लॉस रहता है। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो यहाँ से लगभग 1%, यानी कि 5 रुपीज का प्रॉफिट होगा। अगर आपको लॉस होगा तो यहाँ से लगभग 3 रुपीज का आपको लॉस होगा। तो यही हिसाब किताब रहता है कि हमेशा आप प्रॉफिट में रहेंगे, ये भी नहीं है, और एक आधा दिन आपका लॉस होता है, तो आपको एक लॉस जहां तक आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपया है, आप ट्रेड कर रहे हैं कि इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 10,000 रुपया से आप 7,000 से नीचे लॉस नहीं ले सकते, तो आपको वो जगह फिक्स होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो स्टॉप लॉस का मेन मकसद क्या है कि आपको पैसे को जीरो होने से बचाता है। ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे बहुत ही रिस्की और जोखिम उठाना पड़ता है, तो स्टॉप लॉस इसीलिए लगा जाता है ताकि आपको कैपिटल जो है वो जीरो ना हो जाए। आपने काफी हिस्ट्री सुने होंगे, काफी बातें सुने होंगे कि शेयर मार्केट में आके उन्होंने डूब गया है। तो इसका मेन और मकसद जो मेन कारण होता है, उसमें से एक कारण है विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग। ओके दोस्तों, तो विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, करना भी नहीं चाहिए आपको।
तो आपको शायद मैं लाइव मार्केट में इस स्टॉक, देखिए ये अगर आपने होल्डिंग बेस पे काम कर रहे हो तो भी आप अगर यहाँ पे बाय कर रहे हो, आपको अगर यहाँ से मान लो ये जो 96 है ये मान लो 50 पॉइंट का गैप है, तो आप अगर 50 पॉइंट के गैप में टारगेट ले रहे हो तो 30 पॉइंट्स का डाउन में आप स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो ये होता है इस सबके तब टारगेट और स्टॉप लॉस। इस पेज में आपको सेम वही कहा गया है जो मैं स्टॉप लॉस के बारे में समझाया हूँ। जो आपने 100 रुपीस में वो शेयर खरीदे थे, 120 का आपका टारगेट था और वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस 90 का होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ऐसे ऐसे कभी झुकी आ जाता है, कोई ऐसे नेगेटिवनेस आ जाता है कि 100 रुपीस का शेयर आपको 50 रुपीस में आ सकता है, 100 रुपीस का शेयर आपको 20 रुपीस में आ सकता है, जो कि जीता जाता उदाहरण है आज के डेट में टाटा मोटर्स, पीसी ज्वेलर्स एंड एक्सेट्रा। तो ऐसे आपको कैपिटल को जीरो होने से बचाता है आपको स्टॉप लॉस। तो दोस्त इस स्टॉप लॉस से आपको और क्या क्या खबिया मिल सकता है, तो दोस्तों इस पेज में वही कहा गया है कि स्टॉप लॉस का झुकम कितने है, रिक्सी कितना है। तो देखिए स्टॉप लॉस का टारगेट क्यों लगाया जाता है, उसका रिक्सी कितना है, तो उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है कि शेयर बाजार में काफी क्या होता है, इसमें आपको भावनाओं के साथ चलता है। देखिए भावनाओं के साथ चलता है ये तो बात जितना सही है, उसके साथ टेक्निकल एक चीज होता है, उसके साथ भी शेयर बाजार चलता है। तो कभी कभी क्या होता है टेक्निकल चीज को फॉलो नहीं करता है, तब आपको स्टॉप लॉस मेंशन करना पड़ता है। और पहले भी मैं कहा हूँ कि स्टॉप लॉस मेंशन करने से आपको पैसे को जीरो होने से बचाता है। तो दोस्तों जैसे कि किसी ने अगर टारगेट देता है, कॉल देता है, तो साथ साथ स्टॉप लॉस भी मेंशन करता है, तो यही स्टॉप लॉस मेंशन करने का यही मेन कारण होता है। तो आज का इस वीडियो के माध्यम से शायद आपको स्टॉप लॉस और टारगेट क्यों होता है, कितना फायदेमंद है, ये आपको पता चला है। दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, स्टॉप लॉस हमेशा माइंड में नहीं सिस्टम में होना चाहिए। ये बात काफी लोग कहते हैं, लेकिन मैं इस बात पे एक और खुलासा करके एक अच्छा चीज मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। दोस्तों मान लो कि आपको स्टॉप लॉस 86 पे है और अभी प्राइस चल रहा है, आपको बाइंग प्राइस है 89.50 पैसे पे। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने इस कैंडल को देखे हैं, यानी कि ये 5 मिनट्स का कैंडल है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5 मिनट्स के कैंडल है और यहाँ पे आपने बाय किए थे और ये एक चंद एक मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए आपको एक नीचे का उजाल दिखाएगा और आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। दोस्त काफी ट्रेड्स के साथ ये दिक्कतें आते रहते हैं, इसलिए मैं इस कहानी को आपके सामने बयान कर रहा हूँ। कहानी क्या है कि खास करके ये चीज इंट्राडे प्लेयर्स के लिए बनता है, खास करके ये चीज शॉर्ट टर्म प्लेयर के लिए भी बनता है। मान लो आपको शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ, मान लो आपको 580 में किसी स्टॉक को बाय किए हैं और 600 तक इसका टारगेट है, तो आपने देखे होंगे किसी दिन शायद इसी जगह पर चल रहा है, चलते चलते आपको किसी ने 570 का स्टॉप लॉस दिए थे, तो एक दिन में एक 10 मिनट का या 15 मिनट का या आधे घंटे का एक कैंडल में आपको स्टॉप लॉस खा के ऊपर आ जाएगा। तो इस बात को जो माइंड में रखना नहीं है सिस्टम में रखना है, इस बात को मैं क्लियर इसलिए करना चाह रहा हूँ कि कभी कभी एक छोटा सा लंबा कैंडल मार के आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ये क्यों होता है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स बताना चाहूंगा। देखिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तभी आप ध्यान से सुनिएगा मेरे वीडियो, क्योंकि मैं बड़ा अच्छा से बड़ा प्यार से मैं आप लोगों को मार्केट का एक एक चीज समझाने का कोशिश करता हूँ। तो दोस्त देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब कोई बड़े बड़े कॉल्स देने वाले बड़े बड़े ब्रोकर हाउस एक जगह पे बाइंग करते हैं और स्टॉप लॉस एक जगह देता है, तो सबको निगाह रहता है कि इस जगह पे इतना स्टॉप लॉस लगाया गया है। ये आपको मेरे को इतना आसानी से नहीं पता चलेगा, लेकिन बड़े बड़े ब्रोकर हाउस को ये पता चलता है कि इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर इतने लोग सेल करने के लिए बीट लगा रखे हैं। अब इतने लोग सेल करने के लिए अगर बीट लगा रखते हैं तो फिर उन जो बड़े बड़े जिनके पास करोड़ों अरबों रुपया है ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन लोग क्या करते हैं, एक झटके में एक जगह पर एक बार अपना एक करोड़ रुपया के ऊपर स्टॉक सेल कर दिया, ध्यान से नीचे आएगा, जैसे आपको स्टॉप लॉस हिट होगा उसी स्टॉप लॉस में उन्हीं लोग बाय कर लेंगे। आई थिंक आपको ये चीज, ये जो लास्ट कहानी है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ,
बड़े ब्रोकर हो जो 10 करोड़ 20 करोड़ अरबों में ट्रेड करते हैं, उनको आप अगर इस जगह पे स्टॉप लॉस लगा रखे हैं, मान लो आपने किसी से कॉल लेते हैं, उन्होंने एक साथ 10,000 लोगों को कॉल देते हैं कि 20,000 लोगों को कॉल देते हैं, अब 20,000 लोगों को कॉल दे रहे हैं और उनको सबको स्टॉप लॉस लगा रहे हैं 85 पे। अब 20,000 लोग अगर यूपीएल जैसे मान लो इस यूपीएल में स्टॉप लॉस लगा रहा है 85 में, तो सबने क्या है सिस्टम में लगा रखा है, दिमाग में नहीं रखा है, सिस्टम में लगा रखा है। सिस्टम में अगर लगा रखा है तो बड़े बड़े ब्रोकर हाउस को दिखाई देता है कि इस स्टॉक को इस जगह के ऊपर इतना बीट लगा हुआ है सेल के लिए। अब अगर इतना बीट लगा है तो किसी स्टॉक को हिलाने का क्षमता उनका हाथ में होता है। अब बताइए कैसे, क्योंकि उन लोग मान लो यहाँ पे एक साथ 1,00,000 शेयर सेल कर दिया, यहाँ पे सेल कर दिया। जैसे 1,00,000 यहाँ पे सेल कर देंगे वो प्राइस सीधा इस जगह को मारेगा, जैसे इस जगह को मारेगा तो इनका स्टॉप लॉस तमाम का हिट हो जाएगा। हिट होते ही उन लोग जो यहाँ पे सेल किए थे दोबारा यहाँ पे बाइंग कर लेंगे और इसको प्रॉफिट यहाँ से मिल जाएगा और आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा। तो इसलिए स्टॉप लॉस इंट्राडे के लिए खास करके आपको थोड़ा सा वेट करना है। अगर इस जगह का स्टॉप लॉस बोला है तो इसके नीचे अगेन नेक्स्ट 15 मिनट का कैंडल एक बनने जाता है तब जाके आपको प्रॉफिट बुक करना है, मतलब लॉस बुक करना है। सॉरी, आपको यहाँ पे बाय किए थे और यहाँ पे जाके इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तब जाके आपको प्रॉफिट लॉस बुक करना है। तो आई थिंक आपको आज का जो ये वीडियो था, इस वीडियो के माध्यम से मैं स्टॉप लॉस और टारगेट का बहुत अच्छे से समझा पाया। दोस्त, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, तो इस तरह का और कोई भी जानकारी मार्केट से जुड़ी हुई आपको पाना चाहिए, सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस चीज के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो मैं जरूर छोड़ूंगा। और दोस्त, हमारा ऑनलाइन क्लासेस हर मंथ 5th तारीख से चलता रहता है, जो कि सबसे कम फीस 5,000 रुपीज में फीस है। इसका मेन टारगेट ये रहता है, जब तक ना आप लोग कॉल निकालना सीखेंगे, जब तक ना आप लोग स्टॉप लॉस लगाना सीखेंगे, जब तक ना आप लोग टारगेट लगाना सीखेंगे, तब तक हमारा कोर्सेस चलता रहता है। तो दोस्त, इस तरह का कोर्स पाने के लिए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अदरवाइज मेरा नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन नहीं दबाए तो आपको मैं बताऊंगा, बेल आइकन दबाना आपके लिए जरूरी है ताकि इस तरह का टेक्निकल चीज के बारे में वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू दोस्त, टाटा, बाय बाय।